न्यूलैंड्स के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने दिखाया अपना जलवा। जी हाँ, मियां मैजिक ने इंडिया और साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच में अपना करिश्मा दिखाया, जहां पर उन्होंने अपने करियर के बेस्ट फिगर्स ढूंढ लिए। इस मैच के फर्स्ट इनिंग्स में मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर में 15 रन देकर 6 विकेट चटकाए और साउथ अफ्रीका टीम को 55 रन पे समेट दिया और उनके आधे से ज्यादा टीम को पवेलियन में भेज दिया। मोहम्मद सिराज ऐसा करिश्मा पहले भी दिखा चुके हैं, जब उनका जो मैच था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था और वहां पर उन्होंने 5 विकेट्स चटकाए थे और 60 रन दिए थे। और इसी श्रृंखला में उनका एक और रिकॉर्ड भी है कि जब साल 2020 में जब उन्होंने गाबा सीरीज में अपना डेब्यू किया था, तो वहां पर भी मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट्स ली थी और 73 रन दिए थे। तो यानी कि जो मोहम्मद सिराज का जो करियर है वो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रहा है कि मोहम्मद सिराज एक उभरते हुए टेस्ट खिलाड़ी है। 2020 के बाद ये जो परफॉर्मेंसेस थी वो थोड़ी इनकंसिस्टेंट हो गई थी, जिसके बाद ऐसे बहुत सारे सवाल उठने लग गए थे कि क्या मोहम्मद सिराज फिट हैं टेस्ट खेलने के लिए या नहीं, या क्या लोगों ने बहुत ज़्यादा जल्दी जज कर लिया है कि मोहम्मद सिराज एक परफेक्ट टेस्ट प्लेयर है। तो जी हाँ, इन सारे सवालों का जवाब ना अब हमें मिल चुका है, क्योंकि ये जो उनका करियर बेस्ट फिगर आया है 6 विकेट्स 9 ओवर्स 15 रन्स, ये जो बेस्ट फिगर आया ना, इस जवाब ने सारे सवालों के मुंह ना बंद कर दिए हैं। तो आप बताइए कि आप सब क्या सोचते हैं मोहम्मद सिराज की इस परफॉर्मेंस के बारे में, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए क्रिकेट कंट्री को।